जय श्री सच्चिदानंद प्रेमी साधको सब चाहते हैं कि परमात्मा उनकी मदद करें, उनके आगे पीछे घूमें। अब आप सुन के कहेंगे कि आगे पीछे परमात्मा कैसे घूमेंगे? निश्चित तौर से घूमते हैं। जो उनके अनन्य भक्त होते हैं उनके यहाँ रहकर सेवा भी करते हैं। एक नाथ एक ऐसे भक्त हुए जिनके यहाँ भगवान ने 12 साल रहकर सेवा की। क्योंकि उसमें ऐसे गुण थे, जिसमें गुण होते हैं उनके यहाँ भगवान आते हैं, और अगर धक्के भी मार देगा ना भक्त तो भी भगवान नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ प्रेम मिलता है। वो प्रेम के पुजारी हैं, प्रेम के पुजारी। जहाँ उन्हें सच्चा प्रेम मिलेगा वहाँ से वो जाते नहीं हैं। संसार का ही उदाहरण लगा लो आप। किसी व्यक्ति से आप इतना प्रेम करते हो और वो आपके घर आ जाए तो वो वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता। एक दिन के लिए आएगा तो 2-3 दिन रुक जाएगा, 2-3 दिन के लिए आएगा तो कहेगा भाई मेरा तो जाने का मन नहीं करता, क्योंकि इतने अच्छे से सेवा भाव से खाना बनाते हो, भाव से उनसे बातें करते हो, प्रेम करते हो, तो क्यों जाएगा वो। तो ऐसे ही परमात्मा है, वो तो बड़े सुहृदय हैं। संसारी व्यक्ति तो फिर भी स्वार्थवश कभी कभी कुछ गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन परमात्मा कोई गलती नहीं करते। वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, अगर हम उन्हें इतना प्रेम करेंगे तो वो इतना करते हैं, क्योंकि वो अथाह है। उनका प्रेम का कोई अंत नहीं है, उनके प्रेम की तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। लेकिन यदि हम उनसे प्रेम करेंगे तब वो करेंगे। अब हम ही नहीं उनसे प्रेम करेंगे तो वो कैसे प्रेम करेंगे? तो इतना प्रेम करो, इतना नाम जपो कि वो मजबूर हो जाए हमारे पास आने के लिए, हमारे आगे पीछे घूमने के लिए। ऋणी बना लो उन्हें, क्योंकि जो भक्त निरंतरता से भगवान का नाम जप करते हैं, किसी भी सूरत में नाम नहीं छोड़ते और निस्वार्थ भाव से करते हैं, जिन भक्तों को मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती, मुक्ति भी नहीं मांगते जो सही भक्त होते हैं, तो ऐसे भक्तों की चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे रहते हैं भगवान। और जब उन पर ऋण चढ़ जाता है भक्त का भगवान के ऊपर, तो भगवान सोचते हैं कि मुझे एक मौका मिल जाए, मैं अपने भक्त का जो उसने मुझ पर ऋण चढ़ा दिया है उसका कर्जा उतार दूँ। क्योंकि कर्जा लेके कौन खुश है? कोई नहीं चाहता कर्जा हो। आपने किसी से धन ले लिया तो जैसे ही आपके पास धन आता है, मौका मिलता है कर्जा चुकाने का, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले कर्जे को चुकाते हो। तो ऐसे ही जो भक्त कुछ भी नहीं मांगते नाम जप के बदले में, भक्ति के बदले में, तो भगवान पे कर्जा चढ़ गया, भगवान ऋणी हो गए ऐसे भक्त के। तो फिर वो सोचते हैं कि मुझे कभी मौका मिल जाए जरा सा भी भक्त के पास जाने का, तो वो दौड़े चले आते हैं, बिना बुलाए आते हैं, और आपकी सेवा भी करेंगे, अपने हाथों से भोजन भी बनाएंगे आपके लिए। पर ये नहीं पता, न जाने किस रूप में आकर काम मेरा कर जाते हैं। पता भी नहीं चलेगा किस रूप में आ जाएंगे वो, क्योंकि परमात्मा अपने ऊपर कोई मान बढ़ाई नहीं लेते। वो दूसरों को भेज देते हैं सेवा करने के लिए, आपका काम करने के लिए, लेकिन भेजेंगे वो। इस बात को हमेशा याद रखना। तो देरी किस बात की है प्रेमी साधको? कुछ भी नहीं लगता, कहीं पर भी हो, किसी भी समय, शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भाई भनक पड़ेगी कान। परमात्मा बहरे नहीं हैं, वो जरूर सुनेंगे, सुनाने वाला चाहिए। सुनाते रहिए, बोलते रहिए राम राम राम, सुन लेंगे तो तुरंत आ जाएंगे। और आजीवन हर परिस्थिति में जपते रहेंगे, चाहे कोई आपको तीनों लोकों की संपदा दे दे कि ये खजाना ले लो तीनों लोकों का, फिर भी उसके बदले में नाम नहीं छोड़ना। छोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी चीज़ों को आप अपनी परीक्षा समझना। कोई आपको प्रलोभन दे, प्रलोभन ले लो, प्रलोभन पा करके उसको मत भूलो, फंसो मत, आसक्त मत हो, बस निरंतर जपते रहो।
तब आप सारी परीक्षा में पास हो जाओगे और परमात्मा आपके आगे पीछे घूमेंगे पक्का।